नमस्कार, मैं हूँ संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़ के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। यूपी में कानून व्यवस्था की धज्जियां अब उड़ती दिखाई देने लगी हैं। बीती रात बजरंग दल के सह संयोजक संदीप अवस्थी को रास्ते में कार सवार लोगों ने गोली मार दी और फरार हो गए। थाना निमगांव इलाके में संदीप अवस्थी को हमलावरों ने गोली मार दी। संदीप अवस्थी जनपद हरदोई से अपने घर लखीमपुर खीरी आ रहे थे, तभी रास्ते में कार सवार बदमाशों ने उनकी कार को ओवरटेक करते हुए गोली मार दी और फरार हो गए। जनपद सीतापुर में बजरंग दल के सह संयोजक पद पर तैनात संदीप अवस्थी संगठन में काम करते थे और लखीमपुर खीरी के काशीनगर मोहल्ले के रहने वाले हैं। कल अपने हरदोई में रिश्तेदार के यहाँ से वापस आ रहे थे कि रास्ते में कुछ लोगों ने उनकी कार को ओवरटेक करते हुए गोली मार दी और भाग निकले। घायल संदीप अवस्थी को पुलिस ने जिला अस्पताल भिजवाया, जहां से डॉक्टरों ने गंभीर हालत को देखते हुए उनको लखनऊ रेफर कर दिया। वहीं गोली मारे जाने की सूचना पर भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग करने लगे। ये बेहजम से लखीमपुर के लोग वापस आ रहे थे, टीकर कोड़िया के आसपास कई बदमाशों ने उनको गोली मारा है। कैसे मारा इसकी भी पूरी जानकारी प्रशासन ने दिया, लेकिन 1.5 घंटे हो गए हैं जिला चिकित्सालय में, अब तक उसको कोई भी यहाँ से ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है। क्या है, कौन नाम है, क्या नाम? संदीप अवस्थी जी हैं, बजरंग दल के यहाँ के पूर्व नगर संयोजक रहे हैं। इस समय में सीतापुर जिले का बिस्वा जिला हमारा संघ की दृष्टि पड़ता है, उसके जिले के साथ संयोजक बजरंग दल हैं। अभी क्या स्थिति है? हाँ, अभी तो स्थिति नाजुक है, क्योंकि डॉक्टर ने कोई ट्रीटमेंट नहीं किया है, कुछ पता नहीं चल पा रहा किसने मारा, अभी कुछ नहीं जानकारी इसकी। ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि एक संदीप अवस्थी जी हैं, ये हरदोई से आ रहे थे, इनको पीठ में एक गोली लगी है। इनकी कंडीशन सामान्य है, स्टेबल है, हॉस्पिटल ले आया गया है। इनसे प्रारंभिक बातचीत में इन्होंने बताया है कि कुछ पारिवारिक विवाद इनके चचेरे मामा से चल रहा था और उन्होंने कुछ नाम भी बताए हैं। प्राथमिकी दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जा रही है और इनको यहाँ पर एहतियातन रेफर किया जा रहा है लखनऊ के लिए, और पुलिस अपनी प्रारंभिक कार्रवाई प्रारंभ कर चुकी है। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।